ध्यान की ये पांच बहुत बड़ी गलतियां हैं जो प्रत्येक साधक किसी ना किसी रूप में करता है। देखिए, काफी लोग ऐसे हैं जो ध्यान से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी और कुछ बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है उनके जीवन, क्योंकि ध्यान में कुछ ऐसी गलतियां होती है, बारीक सी गलती भी होती है, छोटी छोटी गलतियां होती है, वो कर जाते हैं और परेशानी क्यों उठानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय अंतराल हो जाता है उनको करते करते, इसलिए कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता और अच्छा अनुभव नहीं हो पाता। ध्यान रखें कि ध्यान में आपको ये पांच तरह की गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनको आप ये मान के चलिए कि आपको इनसे दूर हो जाना है या फिर इनमें सुधार करते आप आज से ही सुधार करते कि ध्यान में आपको इस प्रकार की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर्वप्रथम ध्यान दें, ध्यान का जो समय होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे कि परमात्मा का भी एक समय है, जैसे कि मंदिरों के पट लगभग 8 बजे या 9 बजे हर मंदिर का समय होता है, इस समय के बाद वे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान का शयन का समय हो जाता है, सोने का समय। और निर्धारित समय 4 बजे का समय पट खुल जाते हैं, सुबह की 4, प्रातःकाल 4, और किसी किसी जगह 3 बजे का भी होता है किसी, लेकिन 4 बजे सभी जितने भी मंदिर है 4 बजे का तो पट खुल ही जाएंगे उनके। देखिए, स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान ने अपना समय निर्धारित कर रखा है उठने का, इस समय तो वे जागृत रहेंगे। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर वे जागृत अवस्था में, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन जो भौतिक रूप से आप देख रहे हैं बाहर मंदिरों में सब जगह प्रत्येक समय निर्धारित है कि इस समय जगना है तो जगना है, परमात्मा का ही समय। लेकिन मनुष्य अभी इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो समय सीमा है, ध्यान की समय सीमा को निर्धारित करना पड़ेगा। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो समय सीमा निर्धारित, जैसे कि 4 बजे उठे, 4:30 बजे आपको जैसे तैसे करके बैठना ही बैठना है, 3:30 बजे उठ रहे हैं, आधे घंटा आप सोच इत्यादि कर ले, 4 बजे आपको बैठना ही बैठना है, कुछ भी कर ले, 4 बजे तो निर्धारित समय है मेरा, इस समय मुझको जाना है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए कितना दौड़ा दौड़ा जाता है तैयार होने के लिए, फटाफट किस समय पश्चात हमको स्कूल में जाने नहीं देंगे वरना डांटेंगे वहाँ पर, इस प्रकार से थोड़ा भय उत्पन्न करे स्वयं के भीतर कि 4 बजे तो उठना ही उठना है, वो 4:30 बजे मुझको बैठना है, 4 बजे बैठना है, किसी समय बिल्कुल निर्धारित करके रखे। ये थोड़ा कठोरता से अनुशासन अपने आप पर लाए। दूसरी गलती का ध्यान रखें कि ध्यान में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मेडिटेशन कर रहा है साधक, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी भौतिक रूप से आपको समस्या हो रखी है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ध्यान करते समय आपको स्वयं का अस्तित्व भूलना पड़ेगा कि आप इस बाहरी जगत में किस रूप में जाने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मूल उद्देश्य और मूल जो आधार है, मूल लक्ष्य आपने भीतर समाया हुआ है, जो आत्मा रूपी रूप आत्मा में बैठा हुआ है जागृत अवस्था में, उस चीज़ को जानना जरूरी है। आपका मूल स्वरूप आत्मा से है, शरीर का मूल नहीं है यहाँ पर, इसलिए चिंता का आना भीतर ये थोड़ा दुष्कर नियम बताया है। इस समय ध्यान बैठते हुए आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे जो बाहरी सुखों से बाहरी दुखों से जुड़ी हुई है, तो ये गलत है। आपका मतलब ये है कि ध्यान में आपका 1% भी मन नहीं लग रहा हो, ध्यान आपका हुआ ही नहीं, आपकी चित्त वृत्ति एक जगह ठहरी ही नहीं, यानी आप एक जगह कहीं पर रुके ही नहीं ध्यान में। यह सबसे बड़ा कारण है कि आपको ध्यान में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। रिलैक्स होके बैठे, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आनंद में फिर होके बैठे कि आपको भूल जाना है थोड़े समय के लिए, आधा घंटा घंटे भर जितना समय आप निकालते, बिल्कुल अस्तित्व कि मैं कुछ नहीं करना चाहता इस संसार में, मैं केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति, केवल एक उद्देश्य बस उसी के लिए, बाकी समस्या की जितनी भी समस्याएं आपके भीतर है, भीतर सब बाहर निकाल फेंक दीजिए, जितना भी कूड़ा करकट अंदर है उसको बाहर निकाल फेंक दीजिए। तीसरा कि ये ध्यान रखें कि
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बैठने की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। 100% प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से बैठते, और प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी टाइप है ना, यानी कोई पतला है कोई मोटा है, तो प्रत्येक व्यक्ति पद्मासन व्यस्त मुद्रा में नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके पैर सुन्न हो जाते हैं, किसी की कमर में दर्द होने लग जाता है, ये प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में बैठे जहाँ पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा देर तक आधे घंटे तक बैठेंगे तो आपकी पीठ में बहुत ही गजब का दर्द होगा, तो थोड़ा सा दीवार का हल्का सा सहारा रखें आप। मगर हो सके तो ना तो ज़्यादा इसको रीढ़ की हड्डी को आपको टाइट रखना है और ना तो एकदम झुका के रखना है, हाँ बिल्कुल सहज रूप से रखें कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सीधे बैठे, ऐसा महसूस होना चाहिए मेरे कमर की हड्डी सीधी है। अगर पद्मासन में नहीं होता है तो आपको बिल्कुल सहज दोनों हाथों के हाथ के ऊपर हाथ रख ले और सहज मुद्रा में बैठ जाए, आंखें बंद करके गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें और कमर को हो सके थोड़ा बहुत आप सीधा करने का प्रयास करें। बिल्कुल भी आपको झुकाकर नहीं बैठना, झुकाकर तो बिल्कुल नहीं बैठना, हल्का सा इसको प्रेशर डाल के हल्का सा और बस सीधी करने की कोशिश करें। जो ज़्यादा ओवर वेट है वो भी ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको झुका के बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि ध्यान करते समय ऊर्जा का प्रवाह होता है पूरे शरीर में, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहती रहती है, वो सही रूप में अपना ऊर्जा का प्रवाह चारों तरफ चलता रहे उसके लिए आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधा होना जरूरी है, ध्यान रखें। और चौथी गलती का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मेडिटेशन से पहले आपको किसी चीज़ की तैयारी ना करना, किसी भी चीज़ की तैयारी ना करना ये सबसे बड़ी गलती मानी गई है कि आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं और कोई भी तैयारी नहीं करके गए। तैयारी कैसी कि तैयारी भाई आपको नाड़ी शोधन करना बहुत जरूरी अनिवार्य हो जाना चाहिए, नाड़ी शोधन करना। तो नाड़ी शोधन में क्या आता है, नाड़ी शोधन में देखिए श्वासों की जो प्रक्रियाएं हैं उनको सामान्य करना होता है, है ना, क्योंकि रात में क्या उधड़ी हुई सांसें रिलैक्स एकदम गहरी, आप जब सोते हैं और उठते हैं इसमें श्वासों का फर्क आ जाता है। सर्वप्रथम आप अपने आप को रिलैक्स करें, श्वासों को एकदम स्थायी रूप से हल्का और धीमा भीतर गहरा खींचे और बाहर गहरी सांसें छोड़े, ऐसा 10 या 15 बार आप करें। 10-15 बार लंबी और गहरी सांसें भरें और लंबी और गहरी सांसें आप बाहर छोड़े, ऐसे क्या होगा आपका जो ये नाक के दोनों छिद्र है वे पूर्ण रूप से खुल जाएंगे, है ना। सांसों का दोनों छिद्रों से एक समान रूप से आना बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, इससे क्या आपके नाड़ी शोधन हो जाएगा पूरा रूप, जो मार्ग है श्वास का फेफड़ों में अगर जमा गंदगी अवरोधक आ रखा है तो वो पूर्ण रूप से खुल जाएगा, एकदम अंग अंग यानी आपकी पूरी नाड़ियाँ जागृत हो जाएगी। अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो आपके पूरे शरीर में बेहतर जान नाड़ियाँ वे पूर्ण रूप से जागृत कर देता है, इस चीज़ का आप विशेष रूप, ये मेडिटेशन से पूर्व करने की प्रक्रिया है। फिर आप करें 5 या 10 मिनट लगता है इसमें, ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए अनिवार्य रूप से। पांचवी और आखिरी मैं आपको ये बताता हूँ, इसको जरूर ध्यान रखें कि आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं कि ध्यान करने से पूर्व कुछ बाहरी तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी तत्व यहाँ पर कौन से हो गए, बाहरी तत्व संसाधनों से मेरा यहाँ पर संबंध बता रहा हूँ कि मोबाइल हो गया लैपटॉप हो गया, इनके माध्यम से आप क्या करते हैं कि मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप भले कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उसको अलग समय में निकाल के आप उसको देख लीजिए एक बार कि हाँ ये विधि इस प्रकार से होगी, फिर उसको अकेले में करें। उस संसाधन को आप साथ में लेके ईयरफोन के माध्यम से आप कानों में लगा रहे हैं और फिर आराम से बैठ के उस चीज़, ये नहीं, ये बाहरी अवरोधक बताया गया है इनको, ये एक तरह से अवरोधक है। कौन, मोबाइल हो गया लैपटॉप के माध्यम से आप सुन रहे हैं, किसी स्पीकर के माध्यम से सुन रहे हैं, ये अवरोधक है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में बीच में अवरोधक बनते, इन चीज़ का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देखिए ध्यान एक शांति मौन अवस्था में किया जाता है, बिल्कुल मौन एकाग्र होकर शांत शुद्ध चित्त अवस्था में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इन जो संसाधन है इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे आपके जो आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग होता है ये थोड़ा अवरोध बीच में खड़ा कर देता है। शांति से और
स्थिर अवस्था से चेतना आपकी धीरे धीरे जागृत होगी, उठेगी धीरे धीरे, अपने स्तर से उठने लगेगी और सहस्त्र चक्र में पहुंच जाएगी। फिर आपकी जो स्थिति बहुत ही उत्तम स्थिति में आ जाएंगे आप। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, इन पांच गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर हमारे चैनल का नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।